आपको हम बताने वाले हैं हरियाणा एसएससी ग्रुप डी के बारे में। चलिए कोई भी क्रोम ओपन कर लेते हैं। कोई भी ब्राउजर हमने ओपन कर लिया। ब्राउजर ओपन करने के बाद इसमें हम डालेंगे, अभी हम डाल के आपको दिखा रहे हैं, ये पहले से खुला हुआ है हमारे लिए। तो जैसे हम डाल देते हैं ये SARKRIRESULT का रिजल्ट, ये खुल गया। देखिए इसका फर्स्ट वाला जो लिंक है ये हम ओपन करेंगे। ओपन किया हमने लिंक और इसमें देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है हरियाणा, ये लेटेस्ट जॉब में है हरियाणा SSC UP ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो इसमें सारा डिटेल्स दे रखा है। ये देखिए ऊपर में है ना, नेम ऑफ पोस्ट हरियाणा SSC UP वेरियस पोस्ट ऑफ ऑनलाइन 2018। ठीक है, चलिए आपको हम अब इसके पूरा डिटेल्स बताते हैं। जेंडर है ना, जनरल मेल है एंड अदर स्टेट के लिए, मतलब अदर स्टेट का बंदा हो या जनरल मेल हो, मतलब जैसे जो UR में आता है वो हो, उसके लिए 100 रुपये फ़ी है। 100 रुपये फ़ी लगेगा फॉर्म सबमिट करने के लिए। ठीक है, जनरल फीमेल हरियाणा का हो डोमिसाइल उनके पास, उनको 50 रुपये लगेंगे फॉर्म भरने के लिए। और SC BC मेल हरियाणा डोमिसाइल, मतलब हरियाणा का ही डोमिसाइल हो SC और BC मेल के लिए, उनको भी 50 रुपये ही लगेंगे फॉर्म सबमिट करने के लिए। और ये देखिए SC BC फीमेल हरियाणा डोमिसाइल है उसको 25 रुपये लगेंगे फॉर्म सबमिट करने के लिए। और PH कैंडिडेट जो है उनको कुछ भी नहीं लगेगा फॉर्म सबमिट करने के लिए, वो फ्री में फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। चलिए आपको हम बताते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। जो नोटिस लास्ट डेट इशू हुआ था 28/8/2018 को इशू हुआ है। एप्लीकेशन मिनिमम डेट जो है वो 29/8/2018 है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन 18/9/2018 है लास्ट डेट की पेमेंट। 21/9/2018 तक ही पेमेंट होगा और फॉर्म जो भराएगा वो 18/9/2018 तक ही भराएगा। ठीक है, वैकेंसी डिटेल्स देखिए, टोटल पोस्ट 18,218 पोस्ट हैं टोटल इसमें, इस वैकेंसी में। और जिसमें ये देखिए पोस्ट नेम है ग्रुप डी वेरियस पोस्ट। ठीक है, इसमें जो है 83 जनरल के लिए जो है 8312 सीट्स हैं और SC के लिए 4245, BCA के लिए 3345, ECB के लिए है 2316, टोटल 18,318 सीटें हैं। और एज जो है वो एज 18 से, एज लिमिट 18 से 42 होना चाहिए, 18 से 42 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और एलिजिबिलिटी जो है वो हाई स्कूल क्लास 10th एग्जामिनेशन एनी रिक्वायरमेंट बोर्ड इन इंडिया, मतलब 10वीं क्लास जो है हम किसी भी बोर्ड से, मतलब इंडिया में किसी भी बोर्ड से हमने 10वीं पास करा हो तो ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इस ये फॉर्म सबमिट करने के लिए हमारे पास योग्यता है, अगर 10वीं पास है तो। ये देखिए इसी तरह डिटेल्स दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं खुद से भी, ये देख लीजिए डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। और ये देखिए हम नीचे आ गए, अब नीचे आने के बाद देखिए यहाँ अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन जो है ये लिंक जो है अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, ये 28/2018 को अवेलेबल होगा लिंक। और चलिए इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके देखते हैं कि वो क्या कहता है। देखिए यहाँ नीचे लिंक दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट, इसको हम क्लिक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। और यहाँ पहुँचते ही हम देख सकते हैं कि यहाँ क्या है और क्या नहीं है। ये देखिए यहाँ अप्लाई जॉब क्लिक हेयर फॉर पुलिस रिक्वायरमेंट, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर दे रखा है, आप भी देख सकते हैं ये दिया हुआ है सारा। ठीक है, चलिए आपको हम इसका नोटिस दिखाते हैं क्या नोटिस है। ये देखिए इसमें जो है आवेदन की प्रक्रिया है, मतलब एप्लीकेशन प्रोसेस, ये जो है सारा एप्लीकेशन प्रोसेस आपको बताया कि एप्लीकेशन कैसे भरना है, हमें क्या करना है, ये यहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए सारा लिख रखा है इन्होंने, ये आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा खुद, आपको खुद को खुद समझ में आ जाएगा कैसे फॉर्म सबमिट करना है हमें पूरा। ठीक है, ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, आवेदन प्रक्रिया प्रवाह, मतलब एप्लीकेशन प्रोसेस फॉलो, मतलब एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो फॉलो कीजिए जैसे वो कह रहा है। ठीक है, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, महत्वपूर्ण दिनांक इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें है, इसके अंदर खोल के आप नोटिस देख सकते हैं इसका। देखिए ये जो है डेट दिया हुआ है एकदम अपनी पूरा एकदम डिटेल्स में दिया हुआ है कैसे कैसे वो कर सकते हैं हम। ठीक है, आवेदन एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा वो है, आवश्यक दस्तावेज है, जो दस्तावेज है आवश्यक वो दस्तावेज है यहाँ देख सकते हैं आप।
और ये संपर्क के लिए अगर कोई भी फॉर्म में टूटी हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके और इस साइट से आप कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं और कॉल करके उनसे हेल्प भी मांग सकते हैं। उनका देखिए एड्रेस भी दिया हुआ है, डिपार्टमेंट नेम भी है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ देख सकते हैं आप, और एड्रेस उनका दिया हुआ है, वॉइस नंबर है 67 270 सेक्टर 2, पंचकूला, पिन नंबर 13 41 51 हरियाणा है। फ़ोन नंबर ये देखिए आप यहाँ पे 224 नंबर दे रखे हैं फ़ोन नंबर, इस पर आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे कमेंट्स में, हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको इसके बारे में क्या जानना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, इसी से आपको हमारा लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।